हेलो एवरीवन, ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज़ कोरोजन, इसे 2014 में पूछा गया था। कोरोजन इज़ द डिटोरिएशन ऑफ अ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। क्या होता है कि कोरोजन मेटल का एक तरह से ख़राब होना, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल है, जो कैसे होता है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, जो अपने सराउंडिंग के साथ वो करता है। जैसे कोई भी मेटल को हमने ऐसे छोड़ दिया तो क्या होगा, उसके जो सराउंडिंग है, जिस वो वाटर है या फिर एयर है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ों से वो रिएक्ट करके यहाँ पे क्या होता है, ये इसका ख़राब होना चालू हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। बोथ टाइप ऑफ मेटल एंड द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, पर्टिकुलरली गैसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल, डिटरमाइन द फॉर्म एंड रेट ऑफ डिटोरिएशन। मतलब क्या होगा कि जिस टाइप का मेटल होगा, जैसे कुछ मेटल क्या होता है जल्दी जल्दी उसमें कोरोजन होता है, कुछ में धीरे होता है, तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा कि वो मेटल कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल वाटर में कुछ मेटल रखे हैं तो उस वो क्या होगा, धीरे उस कोरोड होगा, लेकिन अगर उसी को सी वाटर में रखें तो जल्दी कोरोड होगा। तो इस तरह से उसका इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है और गैसेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ही मेन रीज़न है कोरोजन का, तो गैसेस, ये सारे इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो किस रेट से कोरोड होगा। अब देखिए इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं कि बिकॉज ऑफ इट बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस कैन कोलैप्स। क्या होता है, बिल्डिंग्स वगैरह में रॉड रहते हैं अंदर में, स्लैब्स, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में स्टील, आयरन, ये सब का यूज़ होता है। तो अगर वो जो ये सारे अगर रस्टी हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोरोजन के कारण वो वीक हो जाएगा और ये कोलैप्स हो सकता है। ऑयल पाइपलाइंस ब्रेक, अधिकतर पाइप्स वगैरह भी क्या होते हैं, मेटल के बने होते हैं, तो कोरोजन के कारण क्या होता है, उनमें भी हार्मफुल इफेक्ट होता है। केमिकल प्लांट्स लीक, ये वहाँ भी मेटल का बहुत यूज़ होता है, तो इस कारण से अगर केमिकल्स लीक होंगे तो ये भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। एंड बाथरूम फ्लड, मतलब कि अगर पाइप्स, ये भी पाइप से ही रिलेटेड है, अगर पाइप डैमेज होंगे तो ये वहाँ पर भी पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। कोरोडेड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स कैन कॉज फायर एंड अदर प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे अगर उसमें भी कोरोजन हो गया तो क्या हो जाएगा, ये फायर कॉज कर सकता है और बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। एयर पोल्यूशन हैज़ कॉज्ड कोरोजन डैमेज ऑफ वर्क ऑफ आर्ट्स, यानी कि जैसे ये एयर पोल्यूशन है, उसने क्या किया है, उसने भी एक तरह से कोरोजन ही किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ताजमहल है, वो क्या रहा, उसका मार्बल धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, एयर पोल्यूशन के कारण हो रहा है, क्योंकि वो भी एक तरह से कोरोजन का ही टाइप है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, आगे क्या है, इसमें आपको कोरोजन को समझने के लिए आपको कुछ एक टर्म्स समझने की ज़रूरत है। अगर ये आप लोग को क्लियर रहेगा तो आप लोग कोरोजन का प्रोसेस को भी अच्छे से समझेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और या फिर हम इसे और एक तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम क्या होता है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल, किसी का भी था +2 था, ये है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अब क्या हो गया, उसका +3 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि उसने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। प्लस का साइन हम क्यों लगाते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस का साइन लगाते हैं। तो ये इस तरह से ऑक्सीडेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन वगैरह हो गया तो यहाँ पे क्या लगता है, माइनस साइन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब जैसे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल कि पहले +3 था, अब ये क्या हो गया, +2 हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब कि एक, पहले वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, पहले वो 3 दे रहा था, तो अब वो क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, उसने एक एक्सेप्ट कर लिया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया होगा। इस कारण से हम रिडक्शन कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा, एनोड और कैथोड क्या होता है, आपने अगर कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा होगा तो आप लोगों को क्लियर होगा कि एनोड और कैथोड क्या होता है। पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप इसे समझ सकते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे, जहाँ पे रिडक्शन होगा उसे कैथोड कहेंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है कॉज ऑफ कोरोजन। कोरोजन आखिर होता क्या है, उसका रीज़न क्या है। द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ कोरोजन रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्या होता है कि इसमें भी वही एनोड कैथोड रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो इस सब की वजह से जो ये कोरोजन हम देखते हैं ना रियल लाइफ में, ये क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। जनरल कोरोजन अकर व्हेन मोस्ट और ऑल ऑफ द एटम्स
ऑफ द सेम मेटल आर ऑक्सीडाइज. क्या होता है, एक तरह से ऑक्सीडेशन होता है, तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो यही कोरोजन का फॉर्म होता है, डैमेजिंग द इंटायर सर्फेस, और सर्फेस को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर ईजिली ऑक्सीडाइज, जो जितने जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा उतने जल्दी उसमें कोरोजन हो जाएगा. दे टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन. क्या होता है कि वो जैसे कि ये मेटल है, इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन है, O2 में 2 माइनस होता है, मतलब इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर इसने उसे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यानी वो कोरोड हो जाएगा. ठीक है, एट एज ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड विथ मेटल. क्या होता है कि ऑक्सीजन जैसे रिड्यूस हो गया, रिड्यूस मतलब कि उसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, किसी मेटल से उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इससे क्या करेगा वो फिर ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा उस मेटल के साथ मिलके, जैसे कि कोई भी मेटल है उसके साथ मिलके ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, तो यही होता है कोरोजन. ठीक है, यही कॉज ऑफ कोरोजन क्या होता है कि जो मेटल जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ऑक्सीजन को उतने जल्दी वो कोरोड हो जाएगा. ठीक है, कंडीशन क्या होते हैं, क्या क्या ज़रूरी है कोरोजन होने के लिए, मेनली तीन कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं. एक तो पहला मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन क्या है, मेटल. उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब कि एयर. ठीक है, और क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट, यूजुअली वाटर, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो कि चार्ज को कंडक्ट करे, मीन्स क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये सब को क्या करेगा, फ्लो कराएगा, और जिसमें से ये पास हो सकते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो कंडक्ट नहीं कराता है. अब देखिए ये इसका ये पूरा ये प्रोसेस है. क्या होता है, कोरोजन हैपन्स थ्रू अ सीरीज ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मतलब क्या होता है, कोरोजन भी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये दोनों चीज़ें उसमें चलती रहती है, तो ये इसकी वजह से होता है. उसके बाद देखिए, द मेटल बीइंग कोरोडेड एक्ट्स एज एनोड. क्या होता है कि जैसे कोई मेटल कोरोड है, जैसे आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि जैसे ये मेटल है, मेटल क्या हो रहा है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह. जो मेटल जिसमें रस्ट होने वाला है, रस्ट या कोरोजन होने वाला है, रस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, ये आयरन के लिए यूज़ करते हैं, और कोरोजन क्या होता है, ये पूरे जो भी मेटल डिटोरिएट्स हो रहा है उसके लिए कोरोजन टर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, आप लोगों को ये तो पहले से पता होगा, या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं, द मेटल इज़ ऑक्सीडाइज फॉर्मिंग मेटल्स आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या हो रहा है कि इसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं. ठीक है, जो मेटल कोरोड हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कि वो लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, फॉर्मिंग मेटल्स आयन. मेटल्स आयन मतलब कि वो आयंस फॉर्म कर, अब लूज़ कर रहे थे, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. यहाँ पे देखिए, ये एनोड का रिएक्शन दिया हुआ है, ये कैथोड का रिएक्शन दिया हुआ है. एनोड मतलब कि जो ये जो लूज़ कर रहा है, तो क्या हो रहा है, Fe क्या कर रहा है, Fe2+ में फॉर्म हो जा रहा है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वो दे रहा है. तो यहाँ पे देखिए प्लस टू है और यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या किया उसने, मेटल आयन फॉर्म हुआ और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ये टू इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड पॉइंट देखिए, द फ्री इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द ऑक्सीजन ऑफन टाइम्स फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड. क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन को क्या चाहिए रहता है, टू इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है. तो क्या होता है, ये जो टू इलेक्ट्रॉन्स है वो इसे रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कि वो गेन कर लेते हैं ऑक्सीजन. ऑफन टाइम्स फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड, इसके बाद क्या करता है, वो फॉर्म करता है हाइड्रोक्साइड. उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री कैथोडिक रिएक्शन. तो इसे देखिए कैथोडिक रिएक्शन, ये क्या है, पूरा कैथोडिक रिएक्शन. द डिसोल्यूशन ऑफ मेटल्स एट एनोड हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स. क्या होता है कि जब भी ये, जैसे यहाँ पे कोरोजन हो रहा है, तो इसके दो आउटकम्स हैं. डिसोल्यूशन मतलब कि मेटल का घुलना, तो इसके दो आउटकम्स होते हैं. द मेटल्स आयन कैन गो इन टू द सॉल्यूशन. क्या होता है, ये जो मेटल आयन है Fe2+, ये क्या होता है, या तो सॉल्यूशन बन जाएगा एंड बिकम हाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड मतलब कि क्या हो जाएगा, जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट है, तो या तो वो मेटल क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा और हाइड्रेटेड हो जाएगा. या फिर क्या हो सकता है कि, और द मेटल्स आयन कैन फॉर्म सॉलिड कंपाउंड दैट कलेक्ट्स ऑन द सर्फेस. या तो ऐसा हो सकता है कि वो सॉलिड कंपाउंड बन जाए और सर्फेस पे कलेक्ट हो जाए. इन द फॉर्मर केस, फॉर्मर केस मतलब कि पहला केस जिसमें कि वो डिजॉल्व हो जा रहा है, क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल आयंस कैन अकर. अगर वो सॉल्यूशन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा कि फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और जो कोरोजन है वो बढ़ता जाएगा. और दूसरा केस क्या हो सकता है, एंड एन ओपन पिट कैन फॉर्म. ओपन पिट कैन फॉर्म की जैसे कि ये पूरा ऐसे करके शुरुआत में ऐसे रहेगा और बाद में ये पूरा ऐसे करके खाली हो जाएगा. तो ये हो जाएगा, या तो फर्स्ट केस में ये हो सकता है अगर वो सॉल्यूबल हो जाएगा. दूसरा केस में जब वो
ऐसे ये सॉलिड सरफेस बना ले रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, लेटर केस में अ प्रोटेक्टिव बैरियर में बी फॉर्म एंड द कलेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल विल इनहिबिट द फर्दर कोरोजन। जैसे कि अगर यहाँ पे अब रस्ट हो गया तो अब ये क्या हो गया, ये सरफेस एक तरह से ब्लॉक हो गया, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, ये फर्दर कोरोजन को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, रोकना। तो इस तरह से ये कोरोजन का पूरा प्रोसेस होता है। अब देखिए नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, हम इस कोरोजन को रोक कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है, पहला है यूजिंग अ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। आप लोगों ने पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। इसमें होता कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आयरन है, आयरन के ऊपर क्या कर दिया जाता है, जिंक कोटिंग कर दिया जाता है। जिंक कोटिंग कर दिया जाता है, इससे क्या रहता है, आयरन सेफ रहता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ये यहाँ हम ऐसा क्यों करते हैं, कोरोजन क्या होता है, एक गैल्वेनिक प्रोसेस है। गैल्वेनिक प्रोसेस यानी जिसमें क्या होता है, ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो इसको ये एक तरह से कैथोडिक प्रोटेक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, और एक नाम से कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो आपको इतना ज़्यादा इसमें एकदम डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लिखना ज़रूरी है कि यूज़ अ वी कैन यूज़ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जिंक की कोटिंग होती है आयरन के ऊपर, और क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या करता है, एक सेकेंड मेटल रखता है। सेकेंड मेटल मतलब कि जो आयरन के ऊपर दूसरा मेटल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज। मतलब कि ऐसा है कि जिसको ऑक्सीडाइज करना और भी मुश्किल है देन द मेटल बीइंग प्रोटेक्टेड। जैसे कि अगर हमने जिंक को किया है, तो जिंक को ऑक्सीडाइज करना और भी मुश्किल है देन आयरन। तो इससे क्या रहेगा, ये पूरा प्रोटेक्ट रहेगा। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स का मीनिंग क्या है कि अगर हम उसमें कोई प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पेंट वगैरह यूज़ करते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ पेंट कोटिंग इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट। क्या होता है, जो पेंट होता है, जैसे ये सारे प्रोसेस क्या है, थोड़े महंगे हैं, पर ये क्या है, इकोनॉमिकल है। कि ये पेंट क्या होता है, जनरली यूज़ होता है। ये क्या करता है, पेंट कोटिंग क्या करता है, एक बैरियर बना देता है एटमोसफियर और मेटल के बीच में, और क्या करता है, कोरोजन का जो ये पूरा रिएक्शन है उसको क्या करता है, रोकता है। अनदर पॉसिबिलिटी इज़ अप्लाइंग अ पाउडर कोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन। क्या कर सकते हैं, एक अनदर पॉसिबिलिटी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पाउडर कोटिंग कर देंगे थिन लेयर जिंक की किसी भी मेटल के ऊपर, ताकि वो प्रोटेक्ट, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्रोटेक्टिव कोटिंग मीन्स किसी भी मेटल को पेंट कर देना। थर्ड है कीपिंग द एरिया अराउंड द मेटल सरफेस ड्राई। अगर आप उसे ड्राई रखेंगे, वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, तो क्या होगा, तब उसमें कोरोजन नहीं होगा। लास्ट है यूज़ ड्राइंग एजेंट एंड मॉइस्चर बैरियर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, ड्राइंग एजेंट मतलब कुल मिला के ऐसा है कि ज़रूरत क्या होती है कोरोजन के लिए, हमें मेटल की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वाटर की। अगर ये तीनों मिल गए तब वहाँ पे कोरोजन तभी हो पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, इन तीनों में से ये तो रहेगा ही रहेगा, तो इन दोनों में से किसी न किसी का कांटेक्ट हमें हटाना है। तो इस तरह से हम अपने मेटल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए लिखा है ड्राइंग एजेंट, मतलब कि मेटल क्या रहे, ड्राई रहे, और मॉइस्चर बैरियर प्रोडक्ट जो कि मॉइस्चर को बैरियर मतलब कि रोक के रखे, ठीक है। अब देखिए अलॉयस क्या होता है, ये आप लोगों ने सुना होगा। अलॉयस क्या होता है, अलॉय इज़ अ सब्सटेंस मेड बाय मेल्टिंग टू और मोर एलिमेंट्स टुगेदर। क्या होता है, जब भी हम किसी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को क्या करते हैं, मेल्ट करके एक साथ कर देते हैं, तो क्या होता है, और उसमें से एक नए क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, तब उसे ही हम क्या कहेंगे, अलॉय कहेंगे, ठीक है। एंड अलॉय क्रिस्टलाइजेस अपॉन कूलिंग इनटू अ सॉलिड सॉल्यूशन मिक्सचर और इंटरमेटेलिक कंपाउंड। इंटरमेटेलिक मतलब कि मेटल और उसके अलावा कुछ नॉन मेटल या फिर कुछ भी रहेगा, तो इसलिए हमें इसने इसे इंटरमेटेलिक कंपाउंड कहा। कंपाउंड क्या होता है, जो कि वन और टू मोर देन टू एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ अलॉयस कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मेथड। जैसे कोई भी अलॉय है, ठीक है, कोई भी अलॉय है, ब्रास है, टीन है, कोई भी अलॉय है, तो उसे अब ऐसा नहीं है कि हमने उसे देखा, उसमें से उसके सारे कंपोनेंट्स को अलग कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये फिजिकल प्रोसेस हम उसे अलग नहीं कर सकते। एन अलॉय इज़ अ होमोजीनियस एंड रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल इवन थ्रो इट मे इंक्लूड मेटलॉइड्स और नॉन मेटल इन इट्स कंपोजिशन। क्या होता है, अलॉय एक होमोजीनियस मटेरियल है। होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, होमो मतलब सेम, होमोजीनियस मतलब कि जैसे ये है तो सारे पार्टिकल एक जैसे ही दिखेंगे, ऐसा नहीं यहाँ का पार्टिकल अलग दिख रहा है, यहाँ का पार्टिकल अलग दिख रहा है, सारे सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं।
तो ये क्या करता है, रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि मेटल जो होता है वो ज़रूरी है अलॉय के फॉर्मेशन में। फिर क्या होता है, इवन थ्रो इट में इंक्लूड्स मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, हमने क्या पढ़ा है कि 2 से 3 उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, उनमें से एक मेटल होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी हो सकता है। तो ये क्या है कि वो अगर वो जितनी चीज़ों से बना है वो सारी की प्रॉपर्टीज शो करेगा, इसलिए हम इसका अलॉय का यूज़ जनरली इसीलिए करते हैं ताकि हम सब सारे मेटल्स की जो अच्छी प्रॉपर्टी है उसे हम यूज़ कर सकें। अलॉय हैव बीन फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर, हार्डर, लेस मेलेबल, लेस डक्टाइल एंड मोर कोरोजन रेजिस्टेंट दैट मेन मेटल, मेकिंग द अलॉय। क्या होता है, जो अलॉय होता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्डर होता है और उस कोरोजन रेजिस्टेंट भी होता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड अलॉय मिक्सचर इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट कंटेन्स एटम फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर डिफरेंट इन साइजेस। क्या होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए रहता है क्योंकि इसमें मिक्सचर है, ये मेटल एंड नॉन मेटल एंड डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का मिक्सचर है, तो इसमें ऐसा क्या है डिफरेंट साइज़ के एटम, जैसे ये कितना बड़ा है तो एक छोटा है, तो इसमें क्या है अलग अलग मटेरियल्स के एटम्स है, तो इस कारण क्या होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें हम इसके एग्जांपल्स और देखेंगे कि इसके ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है और इसके यूजेस देखेंगे। तो कॉमन एग्जांपल क्या है, ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूरेलियम एंड सोल्जर, तो ये 4 एग्जांपल्स हैं। आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ अलॉय एंड इक्वल राइट इट्स एग्जाम्पल, तो ये इसके 4 एग्जाम्पल हैं। तो ब्रास किससे मिलके बना होता है, कॉपर से मिलके बना होता है, जिंक से मिलके बना होता है, ब्रॉन्ज किससे बना होता है, कॉपर से, टिन से, और ड्यूरेलियम क्या है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, और ये किससे, टिन एंड लेड, ये सब मेटल से मिलके बना होता है। तो इसके यूज़ हम कहाँ करते हैं, ब्रास का यूज़ हम जनरली कॉइन में यूज़ करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, ब्रॉन्ज का यूज़ करते हैं प्रोपेलर ऑफ शिप एंड बेल्स में, ड्यूरेलियम का यूज़ कहाँ होता है, एयरक्राफ्ट पार्ट में यूज़ होता है, और ये जॉइनिंग कॉपर पाइप्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उसका सोल्डर का यूज़ यहाँ होता है। तो ये इस तरह से इसके ये अलॉय के एग्जांपल्स हैं एंड उसके यूजेस और वो किन मेटल से मिलकर बना है।